रिव्यू में आप देखोगे, रिव्यू में हमने देखा था, रिव्यू रिव्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे हम फाइनल अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेते हैं, जैसे हमारे पास होम मेन्यू में गए, हम लोग बहुत सारी चीजें बनाए और इसको हमने फॉर्मेट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, चार्ट बनाया, डेटा क्या हमने नंबरिंग वगैरह सेट किया, इसका अलाइनमेंट सेट किया, ये सारी चीजें करने के बाद फिर अब प्रिंट आउट में किस तरीके का दिखेगा हमने वो देखा, कुछ बनी बनाई चीजों को हमने इंसर्ट करके देखा यहाँ पे कि हमें मेहनत ज्यादा ना करना पड़े, डायरेक्ट हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके, हमने इंसर्ट के थ्रू देखा था। बाद में व्यू में हमने उसको ऑब्जर्व किया कि कैसा दिखेगा बिफोर प्रिंट आउट, प्रिंट आउट करने से पहले किस तरीके से दिखेगा। अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो अरेंज ऑल करके हम कैसे एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा भी हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि प्रिंट कैसे होगा, फॉर्मूला बार दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जूम करना है नहीं करना, ये माइक्रो कैसे चलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे रिव्यू का मतलब ये है, व्यू के बाद रिव्यू मतलब उसको दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू अगेन हम इसको व्यू करने का यहाँ पे है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, हमें स्पेलिंग्स को, अगर हमारे पास इसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता तो ये आपको चेक करेगा, अगर हम यस करते, देखिए आपका स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, मतलब यहाँ पे हमारे स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा होगा तो आपको क्या करेगा, ये हिंट देगा कि आप इसको करेक्ट करो, आपको कुछ हेल्प में देगा। जैसे अभी यहाँ पे एमएस वर्ड में भी, जैसे यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट की जगह पे अगर हमने ई एन टी कर दिया तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से दे दिया, तो अब इस पे हम अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते, देखिए यहाँ पे आपको हिंट देता है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो हमारे पास रिव्यू में दिया गया है वो यही करता है कि अगर हमने यहाँ पे सीट में SEAT दे दिया तो यहाँ पे ये हमारा रिव्यू में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर करते, देखिए फटाक से पकड़ेगा कहाँ पे गलत है और उसके बाद आपको बताएगा कि अच्छा ये करना चाहते हो या ऐसा लिखना चाहते हो या ऐसा लिखना चाहते हो, तो आपको जो लगे आप उसको सेलेक्ट करके ओके करोगे, जैसे अगर आपका स्पेलिंग ग्रामर पूरा हो जाएगा तो कहेगा ओके ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर आपका मिस्टेक्स होगा तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। थीजर्स भी दिया जाता है, थीजर्स में आपको कुछ सेनोनिम्स टाइप के होते हैं, जैसे अगर हमने मैन लिख दिया तो ये मैन से रिलेटेड आपको बहुत सारे गाय, चीप, मेल, जेंट, फॉलो, बिलो, ड्यूट, मतलब उसके सिनोनिम्स दे देगा, पर्यायवाची जिसको आप बोलते हो, एक के अनेक, तो ये थीजर्स में आपको मिलेगा, आपको एमएस वर्ड में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलेगा ठीक है। इसी में आपको कुछ ट्रांसलेशन भी होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेशन भी, अगर नेट वगैरह चल रहा है तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज आपको, आप खैर आप गूगल में भी जा करके कर सकते हो, बट यहाँ पे भी देखिए आपको ट्रांसलेशन दे रहा है ना, अगर हमने यहाँ पे हेलो लिखा या फिर हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको दिया गया है, जैसे आप गूगल ट्रांसलेट का यूज किया है ना वो आपको यहाँ पे देगा, इंग्लिश का इंग्लिश में अगर हम यहाँ पे दे सकते हैं, देखिए चाइनीज दिया गया है, स्पेनिश दिया गया है, बेंगलुरु, बंगला, अमेरिका, अमेरनिया, असमनेस, ये बहुत सारी कंट्रीज का दिया गया है, जिस कंट्री के लैंग्वेजेस आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे फ्रेंच दिया है, फ्रेंच में किया तो ये आपका फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट हेलो, ये आपका देखिए फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया हेलो को। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर भी है, आप चाहे तो गूगल का भी यूज कर सकते हो, नो डाउट ठीक है, वक्त आपको यहाँ पे भी स्पेशली दिया जाता है। किसी के बारे में कमेंट्स वगैरह लिखना है तो आप कमेंट्स भी यहाँ पे दे सकते हो ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें इसके बारे में देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, दे दिया फॉर्मूला वैल्यू, इस पे आप ले जाओगे तो आपको दोबारा दिखेगा ठीक है।
अब यहाँ पे भी अगर आपको दोबारा देखना है तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिया गया, यहाँ पे टोटल रिमेनिंग अमाउंट दिया गया, न्यू कमेंट किया, टोटल रिमेनिंग अमाउंट। विथ फॉर्मूला वैल्यू, तो आप यहाँ पे कमेंट्स इस तरीके से लगा सकते हो, और नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट कमेंट पे जाएगा, प्रीवियस करोगे तो प्रीवियस वाले कमेंट पे जाएगा, मूव करने के लिए दिया गया। यहाँ पे रिव्यू में आप चेक वगैरह कर सकते हो, इस तरीके के कुछ कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हम यूजर को हिंट देने के लिए कर सकते हैं। किसी कमेंट को शो करना है, हाइड करना है, तो यहाँ से आपको दिया गया है शो हाइड करने के लिए, ठीक है। शो ऑल कमेंट करोगे तो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। हाइड करोगे तो हाइड भी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी आप प्रोटेक्ट शीट जैसे हम लोग होम मेन्यू में नहीं देखे थे, यहाँ पे होम मेन्यू में गए थे, यहाँ पे आपको मिल रहा था ना प्रोटेक्ट शीट, कहाँ पे था, फॉर्मेट में था प्रोटेक्ट शीट। सेम आपको रिव्यू में भी मिलेगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट में आप जाओगे, पासवर्ड आप 123 जो भी देना है ओके किया, री पासवर्ड पूछेगा, 123 किया, ओके किया। अब हम इसमें कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करेंगे तो फिर से हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, ओके करेंगे, अब हम टाइप कर सकते हैं इसमें। ऐसे हमारे पास वर्कबुक पे भी प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, अगर हम प्रोटेक्ट सीट करते हैं तो ये इंडिविजुअल सीट पे लगता है, किसी एक सीट पे लगेगा। अब हम प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे तो जैसे अभी हम यहाँ पे इसका कलर नेम, रीनेम, ये सारी चीजें होती है ना, हम इस चीज को हमें करने नहीं देगा अगर हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक किया तो। यहाँ पे पासवर्ड हमने दे दिया 123, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर का दिया है, कंटेंट का नहीं दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसकी डिजाइनिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते, बाकी आप इसमें टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग के रोकना है तो आपको प्रोडक्ट सीट करना पड़ेगा। अगर हमें इसका रीनेम करना चाहे, देखिए हम रीनेम नहीं कर सकते, इसका कलर हम चेंज करना चाहे, इस सीट को डिलीट करना चाहे, तो हम ये नहीं कर सकते। जैसे होम में भी था ना, यहाँ से जाते थे तो हम यहाँ पे भी रीनेम का ऑप्शन मिलता था, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते थे, लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे, ये रिव्यू में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो रिव्यू में आपका पुरानी चीजों को दोबारा से आप व्यू में जैसे था उसी को रिव्यू करके थोड़ा सा और स्पेशलाइज किया गया है। रिव्यू दैट मीन्स आपको फाइनल सबमिशन से पहले आप स्पेलिंग चेक कर लो, उसके कुछ सिनोनिम्स वगैरह लगाने हैं तो लगा सकते हो, और उसके बाद फिर आपको कमेंट्स वगैरह कुछ डालने हैं तो उसमें आप डाल सकते हो, पासवर्ड वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो। दैट मीन्स अगर हमें फाइनल सबमिशन या किसी को ट्रांसमिट करना है, किसी को देना है प्रोजेक्ट या रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है, तो उससे पहले हम रिव्यू करके उसको गो थ्रू कर ले गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो व्यू और रिव्यू दोनों सिमिलर।